गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, जमीक सका समर कोर्स मु केमिस्ट्री स्टार्ट करी से विषय मुझे चाहूँ सका मुझे साइंस कौन आउ केमिस्ट्री कौन केमिस्ट्री डिफरेंट ब्रांचेस गुड़ाक अच्छे से विषय बुझे थी। एवं आम पढ़ा यूनिवर्स। इन एडिशन टू लाइफ यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू थिंग्स मैटर एंड एनर्जी। पूरा ब्रह्मांड में दुई प्रकार जिनस अच्छे लाइफ को छाड़िकिना, गोटे मैटर आ गोटे एनर्जी। एनर्जी विषय तुम्हें फिजिक्स पढ़व, आम केमिस्ट्री पढ़ा मैटर विषय। मैटर मैटर अर्थात कौन, एनीथिंग अराउंड अस दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, स्थान अधिकार करथबो आउ तार कौन थिबो, तार वस्तुत्व थिबो, ताको आने कहबा मैटर। मैटर दुई प्रकार क्लासिफिकेशन अच्छे, गोटे फिजिकल क्लासिफिकेशन आ गोटे केमिकल क्लासिफिकेशन। अर्थात फिजिकल माने भौतिक, भौतिक दृष्टिकोण रु पदार्थ को आम तीन भाग व्यक्त करछु। तुम लोअर क्लास रे पढ़छ सॉलिड लिक्विड गैस बा कठिन तरल गैसीय। आ गोटे नूतन पदार्थ अच्छे तुम आग विषय गुड़ाक पढ़व, से प्लाज्मा। एनसीईआरटी रे नुआटा इनक्लूड कर प्लाज्मा स्टेट गोटे अच्छे पदार्थर। केमिकल क्लासिफिकेशन रासायनिक दृष्टिकोण रु पदार्थ को दुई भाग में विभक्त कराई, गोटे प्योर सब्सटेंस आ गोटे मिक्सचर बा मिश्रण। प्योर सब्सटेंस को दुई भाग में विभक्त कराई, गोटे एलिमेंट मौलिक पदार्थ, आम ओडिया जोड़ा कौचु कंपाउंड बा जौगिक पदार्थ। एलिमेंट बा मौलिक पदार्थ भी तीन प्रकार अच्छे, मेटाल नॉन मेटाल मेटालॉइड, धातु अधातु आउ उपधातु। कंपाउंड जौगिक पदार्थ, जौगिक पदार्थ भी दुई भाग विभक्त कराई, गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एवं देख बाबू मिश्रण, तुमको देखा जा परसेंटेज लिखाई होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये जो समस्त मैटर विषय में आम तनेकी कर आलोचना करवा। मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन टा ये क्लास में सरेबि, प्रथम मु फिजिकल क्लासिफिकेशन टा सरेबि। हेले फिजिकल क्लासिफिकेशन रे आमे कोन पढ़वा देख, सॉलिड लिक्विड गैस, कठिन पदार्थ बा सॉलिड माने कोन, सॉलिड दीज आर द मैटर, मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, निर्दिष्ट आकार और निर्दिष्ट आयतन जार थिबो ताको आमे कहबा सॉलिड बा कठिन पदार्थ। हेले आर उदाहरण कोन हि पारिबो, तमरो आयरन गोल्ड जेकोसी सोल चक मुझे चक चक है सॉलिड पदार्थ बा कठिन पदार्थ। लिक्विड इट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, निर्दिष्ट आकार नथिबो, आमे जो आकार तरल पदार्थ को पकेबा तार आकार से धारण करदेव। एवं मन कर गोटे ट्यूब गोटे तरल पदार्थ को पकेले से ट्यूब आकार जमी तार आकार सेमती मुझे गोटे गोल गोल टाइप पात्र लिक्विडटा रखिले से जो गोल टाइप पात्र लिक्विड सी जो तार आकार जमी से आकार धारण करें कह लिक्विड है। लिक्विड इम्पोर्टेन्ट पॉइंट है डेफिनाइट बा निर्दिष्ट डेफिनाइट वॉल्यूम, निर्दिष्ट आयतन थी बट नो डेफिनाइट शेप, नो डेफिनाइट शेप। उदाहरण कौन कौन हो पार लिक्विड रल पदार्थर उदाहरण गुड़ा कूड़ा कूड़ा हो पार तुमर वाटर मिल्क पेट्रोल डीजेल किरोसिन बेंजीन ये समस्त तुम लिक्विड लिक्विड उदाहरण। तापर है गैसेस जार निर्दिष्ट आकार नी आयतन नैटर विच डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, नेदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, ताको आम कह गैस। गैस गुड़ा के उदाहरण दिए पिले हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिते जाक आम एयर गोटे एयर विभिन्न प्रकार गैस मिश्रण मिक्सर में पड़ो। यहाँ है तुम फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड गैस। आ गोटे क्लासिफिकेशन टा तुम परवर्त अध्याय पढ़ो सीटा प्लाज्मा स्टेटा। एवं देख केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस माने कौन है, प्योर सब्सटेंस को आम दुई भाग व्यक्त करचो, गोटे मौलिक पदार्थ आ गोटे जौगिक पदार्थ। एलिमेंट बा मौलिक पदार्थ माने कौन, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, गोटे पदार्थर गोटे सरलतम रूप को आम मौलिक तार ना दिखाई सिंपलेस्ट
सिंपलेस्ट फॉर्म अति सरलतम रूप को गोटे पदार्थर अति सरलतम रूप को आम कह मैटर है जो सिंपलेस्ट फॉर्म को आम कौन कह मैटर सिंपलेस्ट फॉर्म को आम कह एलिमेंट सॉरी है गोटे मैटर सिंपलेस्ट फॉर्म को आम कौन कह एलिमेंट एलिमेंट भी तीन प्रकार अच्छी मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड एबे देख तुम जो पर्याय सारणी में 118 मौलिक पदार्थ गुड़ाक अच्छे देख मु पर्याय सारणी देखे आमर ये जो पर्याय सारणी में ये जो नूतन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 मौलिक पदार्थ गुड़ाक अच्छे देख जो जोटा तुम येलो दिशी से तुम मेटाल गुड़ाक मैक्सीम मेटाल गुड़ाक अच्छे आगे 92 मेटाल अच्छे तुम 92 मेटाल अच्छे तापर लिक्विड अच्छे तापर कौन अच्छे कहे मेटाल अच्छे नॉन मेटाल अच्छे आ कौन अच्छे गैसेस पदार्थ गुड़ाक अच्छे है पीरियोडिक टेबल रे एबे देख है प्रथम पढ़ा आम मेटाल इट इज द वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर विच इज द हार्डेस्ट स्टेट ऑफ मैटर गोटे पदार्थर गोटे कठिनतम रूप है तुम मेटाल है हेल्ले मेटाल दुटा जिनस इम्पोर्टेन्ट मेलेबुल डक्टाइल आर दुटा जिनस अच्छे आर मेलेबुल आउ डक्टाइल मेलेबुल मेलेबुल इट कैन बी ड्रोन इन टू इट कैन बी आपको बाड़े बाड़े कि ना आम पतला आपको झिकिकिना आम तार करें नमनियता तन्यता जो ओडिया पढ़ुता कहो मेलेबुल एंड डक्टाइल नन मेटाल नॉन मेटल आउ गोटे मेटाल इम्पोर्टेन्ट पॉइंट है इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गोटे मेटल एका अच्छे तुम जो लिक्विड स्टेट अच्छे मेरक्यूरी मंडभूत इट इज आल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ताप आउ विद्युत एटा सुपरिवाही नॉन मेटल जेनेली नॉन मेटल सार है सो गोटे नॉन मेटल टा सब हार्डेस्ट मन रख से डायमंड कार्बन रो गोटे फॉर्म अच्छे डायमंड डायमंड है सब हार्डेस्ट मेटल हार्डेस्ट नॉन मेटल्स सॉरी तापर है मेटालॉइड्स मेटालॉइड इट पजेसेस बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल है।